हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हैं। मैं चंचल स्वामी व्लॉग यूट्यूब चैनल पर आपका कर रही हूँ बहुत बहुत स्वागत। और आज हम आए हैं नासिक, जो आपको मैं दर्शन करा रही हूँ अलग अलग चीज़ों का। तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाओ ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन मिल सके। अभी हम जा रहे हैं श्री कपालेश्वर देवस्थान शिव जी के मंदिर में। तो ये बहुत ऊपर है मंदिर। तो दोस्तों, मंदिर के अंदर कैमरा या मोबाइल ले जाना मना है, इसलिए हमने मोबाइल को बंद कर दिया है। और मंदिर के अंदर तो प्रसाद दे रहे हैं और दूध का छिड़ा दे रहे हैं। डेली का संदूर का लेपन होता है हनुमान जी मंदिर की। और इसके सामने जो लोग आते हैं और अपनी मनोकामना रखते हैं वो अवश्य पूरी होती है। इसकी पहली पूजा अर्जुन ने की थी महाभारत काल में। ये वही जंगल है जहाँ सीता माता को ढूंढते ढूंढते श्री राम और लक्ष्मण और सब ढूंढते फिरे थे। अभी ये शहर बस गया, लेकिन ये अभी भी जंगल है। अभी आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही घना जंगल है। तपोवन गोदावरी पुल सामने है अगस्त्य मुनि का आश्रम। अगस्त्य मुनि का देखो, प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। अभी आप देख सकते हो उस मंदिर कोई है हेर फेर नहीं किया है। जहाँ पहले राम रहते थे वैसा ही पड़ा है मंदिर। राम लक्ष्मण सीता मैया एक साल घास की कुटिया बना के रहे थे ना। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है ना, गीत राज से बैंट भई बहुविध प्री पढ़ाई गोदावरी निकट प्रभु रहे पर। तो ये गोदावरी माता का घाट है। प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में लक्ष्मण द्वारा बनाई गई घास पत्ती की कुटिया में एक साल प्रभु ने इधर निवास किया। एक साल 12 साल चित्रकूट में रहे, 13वें साल में नासिक आए और 1 साल उनको किष्किंधापुरी रामेश्वरम लंका पहुंच गए। लास्ट के साल में रावण का वध किया। तो यहाँ राम जी घास की कुटिया बना के रहते थे। बैक साइड में लक्ष्मण जी का भटका झाड़ है जहाँ भगवान राम का पहरा देते थे, जहाँ सुल्तन खा की नाक काटी गई। वो किधर है? वो इधर रोड पे ही है, लक्ष्मण जी का स्थान है। लक्ष्मण जी का मंदिर, हाँ वही मंदिर बना है, उसके अंदर ही है।
और ये सामने कुंड है, तुम पाव कमे करो निवास, तुम अग्नि में वास करो। अग्नि में सीता माता को राम जी ने और जी ने सीता जी को लुप्त कर दिया। हाँ। मायावी सीता जी भगवान इधर बैठाया। हाँ, तो रावण मायावी सीता जी हरण करके लंका ले गया। हाँ। जटायु से युद्ध हुआ था। हाँ। तो यहाँ से 30 किलोमीटर टाकेद है, वहाँ भगवान श्री राम जी ने जटायु का उद्धार किया। जटायु ने राम जी को पूरा बताया कि रावण दक्षिण दिशा को सीता माता को हरण करके ले गया। तो भगवान राम फिर ढूंढते हुए निकल गए थे। ये जटायु महाराष्ट्र में? हाँ महाराष्ट्र, ये अपना टाकेद में घोटी के पास, बॉम्बे हाईवे बॉम्बे। ये प्रभु श्री राम का त्रेता युग का स्थान है। त्रेता युग का स्थान है। तो गाइस ये त्रेता युग का स्थान है जो अभी आपको बता रही हूँ। घासफूस फूस की बनी हुई कुटिया थी, राम लक्ष्मण और सीता माता यही निवास करते थे। एक साल के लिए निवास किया था। अभी लक्ष्मण का है वो भी आपको मैं दिखाऊंगी। तो दोस्तों अभी हम आए हैं लक्ष्मण कुटिया, जहाँ राम लक्ष्मण ने श्री राम और सीता माता के पहरा दिया था, एक साल के लिए पहरा दिया था। और ये है पहले गणपति की मूर्ति जो आपको मैं दिखा रही हूँ, बहुत ही बड़ी मूर्ति है। और लक्ष्मण ने शेषनाग का अवतार धारण किया था, वो इधर ही किया था, वो अभी दिखाऊंगी मैं। अभी ये कुछ सीन दिखा, सीता माता ने सोने का हिरण दिखा था, वो अंगुली से बता रही है। और इसमें सबरी बोर खिला रही है श्री राम को, और इसमें सीता माता को लक्ष्मण बता रहे हैं कि मैं लक्ष्मण रेखा निकाल रहा हूँ। शबरी ने जो बेर खिलाया ना वो पंचोटी में गुफा से ही है सामने, उधर पंचोटी। हाँ दोस्तों अभी हम जा रहे हैं श्री लक्ष्मण जी के मंदिर, स्वयं भगवान जी हनुमान जी का भी है। लक्ष्मण जी ने शेष नाग का अवतार दिया था, और ये सब ऐसे लग रहा है कि अभी आज भी वही सीन है। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखो, तो लक्ष्मण घर मूर्ति बनाई है, लक्ष्मण नाग काट रहे हैं, तो सुखा के देखो तलवार के निशान दिए हुए, जैसे कहते हैं पांच दिख रहे हैं आपको, नदी भी बह रही है, और पूरा मंदिर काली मंदिर से बना हुआ है। और वो जो सुरण का मृग है वो सोने का मृग वो दिख रहा है सामने, कुटिया के सामने देखो। शेषनाग के अवतार के रूप में बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही अच्छे मंदिर है। लक्ष्मण बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तपस्या की मुद्रा में है, तपस्या की मुद्रा में बैठे हैं इधर। ये चोंच क्यों पकड़ रही है इसकी, ये तो बहुत ही सुंदर लग रही है। जो सीता माता की रक्षा के लिए लक्ष्मण जी के साथ बैठे थे। हाँ। ये आपके अंगुली खा जाएगा, अंगुली नहीं खाएगा, सीता माता की रक्षा की तो मेरी भी हो। ने होटल का कमरा खाली कर दिया है और अब नीचे जा रहे हैं। अब आगे कहाँ जाएंगे वो तो पूछेंगे, याद है अभी हम नीचे जा रहे हैं। तो एक बात बता दूँ, नीचे इतना बड़ा डॉग है, बहुत ही बड़ा कुत्ता बैठा है, उसको डर लगता है, चुपचाप जाना पड़ेगा। दोस्तों अभी जा रहे हैं बस का पता करने के लिए, अभी जाएंगे कहाँ जाएंगे तमकेश्वर। अगर वीडियो में नए हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन दबाओ ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन मिल सके। भैया कैसे इधर है ना?